कह रहे हैं वो स्वयं पुनर्विचार करें, अध्ययन करें। देश की एक नहीं अनेक सर्वे एजेंसियों ने और मीडिया ने समय समय पर सर्वे करके ये निष्कर्ष निकाला है कि आज भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के 65 से 75% लोगों का विश्वास है और आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को फिर से भारी बहुमत मिलेगा। आज राहुल गांधी जी धरने उपवास पर हैं और ये बताया जा रहा है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध ये धरना कर रहे हैं। और मेरी समझ में ये धरना उपवास पिछले 2 अप्रैल को कुछ राज्यों में जो हिंसात्मक आंदोलन हुए और उसमें कांग्रेस की भूमिका रही है उस पर पर्दा डालने का असफल प्रयास है। जनता ने दूरदर्शन के माध्यम से, प्रत्यक्ष में समाचार पत्र के माध्यम से यह देखा है कि कांग्रेस की भूमिका अहिंसक आंदोलन को हिंसक बनाने में रही है। राहुल गांधी जी को प्रायश्चित करने के लिए उपवास करना चाहिए, देशवासियों से इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहिए और देशवासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि महात्मा गांधी जी अहिंसात्मक विचारों के व्यक्तित्व के धनी थे। वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसक आंदोलन के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने का काम उन्होंने किया है। कांग्रेस भी भविष्य में कभी भी हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देगी। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सांसदों ने भी इस प्रकार की बातें कही है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हम उन सांसदों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या जानकारी है और जो जानकारी हमको देंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने भारत सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की कभी आलोचना नहीं की है। उन्होंने कुछ लोकल विषयों पर बातचीत की है। वो लोकल विषय क्या है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बात करके उनकी समस्याओं पर विचार करके समाधान करने का प्रयास करें।